तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जानने वाले हैं कि ये, और मैं मानता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही लेट में आया है, कुछ दिक्कत थी वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन चलो अभी हम लोग जावा की में वेरिएबल क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार, वेरिएबल एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी वैल्यू को स्टोर करने में काम आती है। अब वेरिएबल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम नीचे देखने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं पहले इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको भी अच्छा सा दिखे। तो यहाँ पे अगर मैं डिफिनेशन पढ़ूँ तो वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर वैल्यू। दिस वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग एजुकेशन ऑफ द प्रोग्राम। यानी बोला कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और उसको भी वैल्यू हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक बार वैल्यू फिक्स हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो फिक्स ही रहेगा, उसकी वैल्यू हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो वेरिएबल बस उतना ही है कि वो वेरिएबल एक मान लो कि कंटेनर है। अगर आपको रिलेट नहीं करने आ रहा तो मान लो कि आपके घर में चावल रखने वाली एक डिब्बा है। ठीक है, अब वो जो डिब्बा है वो मान लो एक वेरिएबल है और उसके अंदर हम लोग कोई भी चावल रखते हैं। अब चावल क्या होगी, चावल क्या होगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चावल एक प्रकार का डेटा होगा। अब डेटा को हम लोग किसके अंदर रख रहे हैं, तो वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोग का वेरिएबल एक कंटेनर के रूप में काम करता है। अब अगर कंप्यूटर में बात करें तो मान लो कि हम लोग बहुत सारे वीडियो एक हार्ड डिस्क में रख रहे हैं, तो हार्ड डिस्क हमारा क्या हो जाएगा, एक तरह के कंटेनर हो जाएंगे। और कंटेनर को क्या बोलेंगे, कंटेनर को ही वेरिएबल बोलेंगे। यानी कि कंटेनर के अंदर बहुत सारे क्या रखा हुआ, वीडियो और सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें क्या होंगे, ये डेटा होंगे। तो डेटा हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल एक प्रकार की कंटेनर होते हैं जिसके अंदर हम लोग कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो यार, अगर नीचे हम लोग बात करें कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो एग्जांपल में मैंने दिया है यहाँ पे कि इंट एक डेटा टाइप है। अब डेटा टाइप अभी मत समझो कि क्या होता है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि डेटा टाइप क्या होता है, उसके बारे में आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक कंटेनर बनाया है जो कि नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, और मैंने एक वैसा कंटेनर बना लिया जिसके अंदर कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कंटेनर है इसमें हम लोग नंबर रख सकते हैं। तो मैंने कितने नंबर डाला, 10। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो कंटेनर है वो उसका नाम है नंबर और उसके अंदर वैल्यू कितनी है, 10 है। अब इसको अगर वो हार्ड डिस्क वाली एग्जांपल से बात करें तो हार्ड डिस्क का नंबर, हार्ड डिस्क का जो नाम है वो क्या है, यहाँ पे नंबर रखा मैंने। जो हार्ड डिस्क जो कंटेनर था उसका नाम हम लोग ने नंबर रखा, और उसके अंदर जो वीडियो सॉन्ग्स थे उसके जगह पे हम लोग क्या रख दिए, 10 रख दिए। तो इस तरह से हम लोग कोई भी वैल्यू को किसी भी वेरिएबल में डाल सकते हैं। अच्छा, तो ये इंट क्यों हो गया, ये आप लोग पूछ सकते हो। तो इंट देखो यार, ये डेटा टाइप है जो कि बताता है कि हम लोग नंबर के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रखेंगे, कोई और वैल्यू को नहीं रख सकते। जैसे कि मान लो कि हम लोग हार्ड डिस्क, एक ऐसा हार्ड डिस्क बनाया जिसका नाम हम लोग नंबर रखें। ठीक है, और वो नंबर को हम लोग क्या बोल दें कि ये ऐसा हार्ड डिस्क है जिसमें सिर्फ सॉन्ग रखा जा सकता है, वीडियो फोटेज ये सब नहीं रखा जा सकता। तो उसी प्रकार से ये नंबर में क्या रखना है वो डेटा टाइप बताता है कि इसमें किस तरह की डेटा हमको रखना है। क्या हमको इसमें एक इंटीजर रखनी है, क्या हमको इसमें दशमलव वाली अंक रखने, इस तरह की जो भी फिल्टरेशन होती है वो हमारी डेटा टाइप बताता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अभी डेटा को आपको उतना ध्यान नहीं देना है क्योंकि हम लोग आगे वाली वीडियो में बहुत ही अच्छा से सीखने वाले हैं कि डेटा कैसे काम करती है। अभी हम लोग वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल पर ध्यान देते हैं। आगे चलते हैं कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं। वेरिएबल कैन नॉट बिगिन विथ नंबर। वेरिएबल को हम लोग कोई भी नंबर से शुरू नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर लिखा तो इसका आगे 1, 2, 3 इस तरह से नहीं लिख सकते आप। ठीक है, वेरिएबल इज केस सेंसिटिव। अगर वेरिएबल में आपने एन को बड़ा लिखा है तो वो एन बड़ा ही आपको हर जगह पर लिखना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर छोटा लिखते हैं तो उस तरह से उसका नंबर गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इसको बताऊंगा सारी चीज़ों को मैं करके। अभी मैं वीएस कोड खोल लेता हूं और एक बार इसको साइड में करता हूं, इसको इस तरफ साइड में करता है। ठीक है, अब हम लोग ये सारी चीज़ों को एक एक करके देखते जाते हैं। यहां पर मैं बनाता हूं वेरिएबल Thank you.
जल्दी से मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। बहुत दिन के बाद क्या साहब बुला ले गया मैंने। एक सेकंड अच्छा भाई हाँ चलो ठीक है इसके बाद हम स्ट्रिंग्स लगानी है। यस अब अगर बात करें कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है तो मैंने अभी बताया कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए सिंपल सा मैंने इंट लिखा और मान लो मैंने एन लिखा और एन के अंदर मैंने डाल दिया 34 यानी कि एन नाम का एक कंटेनर बनाया उसके अंदर हम लोग कितनी वैल्यू डाल दी 34 डाल दी। तो इस तरह से हम लोग इंट की इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं यानी कि ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अब अगर वेरिएबल की हम लोग कौन कौन से रूल्स होते हैं वो देखें तो सबसे पहले बताया गया कि अगर आप इंट नाम की कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं यानी कि कोई भी वेरिएबल बना रहे हैं तो उसको आप ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते जैसे कि यहाँ पे मैंने 45 नंबर इज इक्वल टू 7 इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ कि कोई भी वेरिएबल को हम लोग नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते ठीक है। इस तरह से अगर ये गलती हो गई तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। उसके बाद आगे बोला गया कि वेरिएबल इज केस सेंसिटिव तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने ऊपर स्मॉल एन से एक वेरिएबल बनाया और नीचे मैं कैपिटल एन से एक वेरिएबल बना सकता हूँ उसके मैं उसको मैं 45 इंटर करवाया ठीक है इस तरह से। तो अब ये दोनों एन तो है लेकिन इसका केस जो है वो अलग है ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। तो अगर मैं प्रिंट करके आपको दिखाऊं अगर मैं स्मॉल एन को प्रिंट करूं तो देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। एक सेकेंड गाइस यहाँ पे हमारा ये रहना चाहिए देख सकते हैं स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो 34 आ रहा है और अगर इसी जगह पर मैं कैपिटल एन की वैल्यू डालूं तो कैपिटल एन की वैल्यू जो आएगी वो 45 आएगा। तो इस तरह से हमारा जो वेरिएबल होता है वो केस सेंसिटिव होती है। उसके बाद आगे देखते हैं वेरिएबल शुड नॉट बी अ कीवर्ड वेरिएबल को हम लोग कोई भी कीवर्ड नहीं लिख सकते। अब कीवर्ड क्या होती है तो कीवर्ड मैं दिखाता हूँ कि जावा में कितने सारे कीवर्ड होते हैं वो भी आगे बात करेंगे लेकिन अभी जब टर्म्स आया वो ओनली कीवर्ड तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। कीवर्ड इन जावा लिखो यहाँ पे और उसके बाद इमेजेस पे चल जाओ। सबसे अच्छा चीज़ जो होती है इमेजेस पे तो देख सकते हो इतनी सारी जो कीवर्ड होती है उसको आपको वेरिएबल के नेम के नेम नहीं यूज़ करना है यानी कि वेरिएबल इसको नहीं यूज करता है। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे गो टू का कीवर्ड है और इसी के नाम से अगर हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पे मान लो मैंने लिखा इंट गो टू इज इक्वल टू 5 इस तरह से मैंने बना लिया। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे गो टू प्रिंट करवाना चाहूँ और यहाँ पे रन करवाऊँ तो यहाँ पे देखो ये एरर दे रहा है। सबसे पहले तो इंट में एरर दिया उसके बाद गो टू में एरर दे रहा है। यहाँ पर ये बोलेगा कि भाई साहब ये जो गो टू है वो एक कीवर्ड है और आप ये कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते हो ठीक है। ना तो गो टू को आप इन वेरिएबल में यूज़ कर सकते हो ना ही गो टू को आप प्रिंट करवा सकते हो ये दोनों चीज़ें गलती है ठीक है। इस तरह से आपको कोई भी कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करना है। नॉट यूज़ कीवर्ड मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट यूज नंबर्स। चलो अब अगला अगर टर्म्स पढ़े हम लोग तो वो है थी हम लोग का कि हाँ
यहाँ पे लिखा हो कि वेरिएबल कैन नॉट स्टोर वाइट स्पेस नॉट अलाउड, यानी कि वेरिएबल जो है वो वाइट स्पेस को अलाउ नहीं करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ वो मैं समझाता हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा इंट और मैंने यहाँ पे लिख दिया नंबर। इस तरह से मैंने अगर कोई भी वेरिएबल बनाया जिसके बीच में एक वाइट स्पेस है यानी कि खाली जगह है, तो ये एक वेरिएबल नहीं कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे उसी को प्रिंट करवाना चाहूँ नंबर, ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ से करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एरर दे रहा है बीच में, यहाँ पे एरर दे रहा है और फिर ये वी आर एरर दे रहा है। बोला भाई मैं समझ सकता हूँ कि नंबर एक आपने वेरिएबल बना रहा है, तो इसने क्या सोचा कि यहाँ पे एन यू एम नम तक वेरिएबल बना, लेकिन ये स्पेस छोड़ के बी आर क्या लिख दिया तुमने, ये मुझे नहीं समझ में आया, तो ये यहाँ पे गड़बड़ा गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको कोई भी वाइट स्पेस नहीं देना है अपनी जो ये वेरिएबल बनाना है उसमें। वेरिएबल कैन कंटेन ए टू जेड एंड कुछ स्पेशल सिंबल भी लेता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मैं दिखाऊँ कि वेरिएबल क्या क्या ले सकता है अपने अंदर। तो मैं अगर इंट लिखूँ ए से लेकर जेड तक कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं, ए बी सी डी एफ जी एच, इस तरह से कोई भी वैल्यू ले सकता है। लेकिन साथ ही में अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखूँ ये अंडर स्कोर है वो भी ले सकता है ये वेरिएबल, ये आपको ध्यान रखना है, अंडर स्कोर ये ज़रूर लेता है, बस अंडर स्कोर और कुछ नहीं। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट करवाना चाहूँ कि क्या ये सही है तो मैं देख लेता हूँ अखबार, और मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ और देख सकते हैं यहाँ पे नंबर की जो वैल्यू है वो 5 आ चुकी है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसको डिक्लेयर करने के साथ साथ हमको किस किस बातों के ध्यान रखना है वो आपने सीख चुका। अब आगे चलते हैं, मैं नोट्स को पहले बड़ा कर सकता हूँ। टाइप्स ऑफ वेरिएबल हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल की कितनी टाइप्स होती हैं। तो सबसे पहला आता है लोकल वेरिएबल, जो वेरिएबल बॉडी के अंदर होता है उसको हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग अभी करके देखने वाले हैं, उसकी टेंशन नहीं लो, अभी सिर्फ यहाँ पे शॉर्टकट में जो लिखा हुआ है जिससे कि कैसे आपको याद रखनी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और एक बात यार, अगर वीडियो लग रही है अच्छा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जो कि मैंने यहाँ पर याद रखने के लिए दिया है, क्योंकि मैं वीडियो बनाते बनाते भूल जाता हूँ कि ये चीज़ भी बोलनी है, ताकि आप लोग सब्सक्राइब करो और मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले। यहाँ पे लोकल वेरिएबल की बात करें तो हमको पहले याद रखने के लिए ये सारी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद कहाँ पे क्या होती है वो सारी चीज़ें बता दूँगा। लोकल वेरिएबल जो इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर होगा। इंस्टेंस वेरिएबल इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे आप अपने से लगा लेना यहाँ पे बॉडी छूट गया। ठीक है, क्लास के अंदर तो होगा लेकिन बॉडी के आउटसाइड होगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टैटिक्स वेरिएबल क्या होता है। विथ स्टैटिक कीवर्ड, मैंने स्टैटिक वेरिएबल पहचानने का सबसे आसान नियम है कि वो स्टैटिक कीवर्ड के साथ आएगा। अब चलो यार देखते हैं इसका मतलब। तो अगर मान लो कि मैंने क्लास बनाया पब्लिक क्लास ए, अब मैं इसको यहाँ पे आपको बता देता हूँ और इसको मैं थोड़ा इस तरह से साइड करूँ, और यहाँ पर मैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल का बात करें, टाइप्स ऑफ वेरिएबल डॉट जावा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्लास मैं जल्दी से अपना काम कर लेता हूँ भाई, लिखते मैं तुमसे। चलो सही है, अब हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कौन कौन सी वेरिएबल कहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले अगर स्टैटिक वेरिएबल की बात करें तो वो सबसे ऊपर रहेगा, जहाँ पे हम लोगों ने मेन क्लास को डिफाइन किया उसके ऊपर जाकर यहाँ पे आप लिख दो स्टैटिक्स, और इसको कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, सॉरी मैंने वो ऊपर बोला, लेकिन कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा स्टैटिक के साथ आएगा, स्टैटिक कीवर्ड के साथ आएगा। और मैंने मान लो यहाँ पे एक स्टैटिक नंबर बनाया जिसका नंबर है
40, और इस तरह से हमारा ये जो वेरिएबल है उसका नाम क्या हो जाएगा, स्टैटिक वेरिएबल। इस तरह से हमारा एक जो वेरिएबल हो गया वो हमारा स्टैटिक वेरिएबल हो गया, वो स्टैटिक कीवर्ड के साथ आएगा। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं कि हमारा लोकल वेरिएबल को क्या होगा। तो लोकल वेरिएबल अगर पहचानना तो हम लोग कैसे पहचानेंगे, इनसाइड द बॉडी लिखा हुआ है, यानी कि बॉडी के अंदर। हमारा बॉडी क्या है, यही तो बॉडी है, यही बॉडी है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड गाइस। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यार, इसका ये बॉडी है, लेकिन अगर हम लोग कोई मेथड बनाए, यहाँ पे मेथड बना के दिखाऊंगा कि वो कौन सी बॉडी है। ठीक है, लेकिन हमारा जो ये बॉडी है वो भी हमारा बॉडी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, इनसाइड द बॉडी बट आउटसाइड द, इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या किया कि ये जो बॉडी हमारा है, जो मेन बॉडी है, उसके अंदर अगर हम लोग कोई भी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो, मतलब इंट n इज इक्वल टू 6 लिखा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लोकल वेरिएबल हो जाएगा। लोकल वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन अगर इंस्टेंस वेरिएबल बनानी हो तो वो इनसाइड द क्लास लिखा हुआ है, क्लास के अंदर तो रहेगा लेकिन बॉडी के बाहर रहेगा। यानी कि कहाँ कहाँ से इसका जगह हो गया, या तो आप यहाँ पे लगा लो उसको, या फिर आप यहाँ पे लगा लो। यानी कि बॉडी के अंदर नहीं आना चाहिए लेकिन क्लास के अंदर आना चाहिए। यानी कि अगर हम यहाँ पे लगाऊँ इंट ओ इज इक्वल टू 7, तो ये हमारा हो जाएगा इंस्टेंस वेरिएबल, सॉरी वेरिएबल। इस तरह से तो हमारा कौन कौन सी वेरिएबल कहाँ पे रहेगा वो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे यार देखो, हमारा तो वेरिएबल की जो पूरी रामायण कथा था वो मैंने आपको बता चुका हूँ। अब आपको काम क्या करना है कि ये वाली नोट्स को आपको डाउनलोड करना है और एक बार फिर से रिवीजन करना है, और आपको अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और यार नोट्स को अच्छे से देखो, जैसे जैसे मैंने कोड किया वो कोड आपको भी अगर एक्सेस करना है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कोड कहाँ पे मिलेगा। तो सिंपल सा आपको हमारा जो चैनल है उस पर आ जाना, तो मैं दिखाता हूँ आपको। आपका सिंपल सा यहाँ पर कोड से क्या सर्च करना है, और आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने ये वीडियो वहीं पर देख रहा है। तो आपको सिंपल से जाना है अबाउट सेक्शन में, अबाउट सेक्शन में जाओ, या फिर आप जो वीडियो देख रहे हो, मान लीजिए ये वीडियो आपने देखा, और इसी वीडियो के नीचे आना आपको, और यहाँ पे नोट्स डाउनलोड्स का ऑप्शन लिखा हुआ है, और ये गिटहब का लिंक है, यहाँ पे आप आ जाओ। यहाँ पे कोई भी एड्स नहीं मिलेगी आपको, ऐसा नहीं कि मैं नोट्स दे रहा हूँ तो उसको डाउनलोड करने के लिए अलग अलग पॉपअप खोलना पड़ेगा, अलग अलग एड्स देखनी पड़ेगी तब आपको नोट्स मिलेगा एक अच्छा सा, नहीं बिल्कुल नहीं, आपको फ्री में मिलेगा विदाउट एनी एड्स। ठीक है, चलो जावा पे क्लिक करना आपको क्योंकि जावा का नोट्स चाहिए। और आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, पूरी नोट्स मैंने बना चुका हूँ, और जिस तरह से क्लास अभी चल रहा है उसी तरह से नोट्स बना हुआ है। तो मान लो आपको यहाँ पे वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो वेरिएबल की नोट्स चाहिए तो यहाँ पे आप क्लिक करो और देख सकते हैं वेरिएबल की PDF यहाँ पे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल से इसको ओपन करो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो अगर आपको यहीं पर देखना है तो यहीं पर देख सकते हो। कितना सिंपल था ना। अब बात रहेगी कोड कहाँ भाई, कि अभी जो आपने यहाँ पे जो कोड बना रहा था, ये वाली कोड कहाँ है, ये वाली कोड भी मुझे चाहिए। ये वाली कोड थोड़ी देर बाद यहाँ पे अपलोड हो जाएगी नीचे, और आपको यहीं पे कोड भी मिल जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ इंट्रोडक्शन में, तो आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन की यहाँ पे कोड आया हुआ है java., यहाँ देख सकते हो आप। तो जब भी क्लास ख़त्म होता है उसी के साथ कोड वहाँ पे अपलोड हो जाता है, इसकी आपको टेंशन नहीं लेना, और जाके अभी आप नोट्स और कोड डाउनलोड करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।